गुड इवनिंग बच्चों, 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा। 15-20 न्यूमेरिकल होंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा वादा है आपसे, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो ऐसा एग्जाम में आपके साथ हो ही नहीं सकता कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई न्यूमेरिकल ना है। मैं चैलेंज दावा ठोक के कह सकता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे एक एक न्यूमेरिकल को, पूरी वीडियो को देख के जाना। अगर आपको मजा ना आए तो बेशक आप कमेंट में जी भर के गाली दे देना, जो मन करे वो बोल देना, लेकिन पहले वीडियो को देखना। हर चीज में आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पहला देखते हैं क्या क्या लिखा है। और मैंने इस क्वेश्चन में देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे सोल्व नहीं कर पाते। जो क्वेश्चन लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। शो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम और 6 ओम। 2017 में 3 मार्क्स आया था ये क्वेश्चन। मतलब 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक जैसे नाम लिख दिया मैंने, R1 है 9 ओम, तीनों ना R2 है 9 ओम और R3 है 9 ओम, ठीक है? 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 9 ओम के हैं, लिखा हुआ है ईच। तो मुझे इनको किस हिसाब से जोड़ूं, कि मतलब कितने सीरीज में और कितने पैरेलल में जोड़ूं कि हमारा इक्विवेलेंट कितना आया 13.5। देखना ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 13.5 और 9, तो मैं 9 में क्या ऐड करूं कि 13.5 आया है। कई लड़के बोलेंगे कि सर 9/2, सर 9/2 क्यों नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, तो सर मैं 9 में क्या ऐड करूं, मैं ऐड कर रहा हूं 4.5, ठीक है? ध्यान से समझना, क्या 4.5 को मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, मतलब इसका आधा, मतलब कितना हो गया ये 10, ये कट गया 5 से, तो 9/2, मतलब 9 में मैंने क्या ऐड किया, 9/2, ठीक है? तभी तो मेरा कितना आया 13.5। अब ध्यान से समझना, मतलब एक तो मुझे सीधा सीधा चाहिए और दो कैसे चाहिए? अब सर कैसे पता चलेगा सीरीज है या पैरेलल? देखो ध्यान से, हमें क्या पता है कि हम सीरीज में तो सीधे सीधे जोड़ते हैं और पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल का हमारा क्या होता है, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। अब ध्यान से देख समझना, ऊपर सेम हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होता है और या ऐसे समझ लो कि हमें ऊपर सेम नंबर लाना है, मतलब 1 और 1 मिलके 2 होंगे ना, और नीचे कितना होगा, नीचे अगर 9/9 होगा तभी तो ये 9 + 9 और ऊपर 1/9 मिलके कितना हो जाएंगे, 2/9। मतलब दोनों को मुझे कैसे जोड़ना होगा, दो को मुझे पैरेलल जोड़ना होगा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है? तो देखो ये 1/9 + 1/9, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2/9। अब इसी को जब हम पलटेंगे R इक्विवेलेंट, तो मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 9/2। आया समझ में, क्या समझाना चाह रहा था मैं, आया समझ में? तो यहां पे आ गया मेरा आंसर आ गया कि भाई दो को मैंने कैसे जोड़े पैरेलल में और एक को कैसे जोड़ा सीरीज में। आई बात समझ में? इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ये कि दो को तो जोड़ दो पैरेलल, ये ले लिया, ये ऐसे ये जोड़ दिया एक और एक ये जोड़ दिया और एक को ले लो यहां पे सीरीज बना दो ऐसे ऐसे और इसको लिख दो 9 ओम और ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी समझाने की, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला, तो आपको आंसर मिल गया कि भाई कैसे करना है, एक बार फिर से देखो, फिर से रिकॉल करता हूं कि मुझे 13.5 लाना था तो 9 में मैं क्या ऐड करूं, मैं 9 में क्या ऐड करूं, भाई 4.5 ऐड कर दूंगा तभी तो आएगा 13.5 और 4.5 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 45/10, मैंने काट के क्या लिख दिया 9/2। तो मतलब 9 में 9 का आधा करना है और हमें पता है कि भाई 2 कब आएगा, जब ऊपर यहां पे 1/9 + 1/9, क्योंकि हमें पता है मैथ के अनुसार जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये एज इट इज ऐड हो जाते हैं, तो मतलब क्या हो गया ये 2/9 और फिर इसको मैंने पलटा तो क्या हो गया ये 9/2, तो इसी को मैंने ऐड करके लिख दिया। आगे देखो 13.5, तो मतलब मुझे दो को तो जोड़ना होगा पैरेलल और जो उसका इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ एक को जोड़ना होगा सीरीज में। आए बात समझ में, नोट डाउन करो। अब देखो अगला मिल गया होगा आपको आंसर। अब अगला देखो, अगला क्या लाना है मुझे, अगला लाना है मुझे 6 ओम, इक्विवेलेंट कितना लाना है 6 ओम। अब ध्यान से समझना, 9 की टेबल में 6 नहीं आता, सीधी सी बात है ना, और 6 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं, किसकी,
9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 80। मैथ के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि भाई हमारे पास 9 है और 6 है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 80। यहां समझो एलसीएम ऑफ 9 एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 तो मतलब कितना आ गया 80। मतलब मुझे 18 ओम मिल जाए और 18 को मैं अगर 6 प्लस 6 प्लस 6 करूं तो आ गया, देखो सर कहोगे कैसे आ गया, अरे 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ध्यान से देखो। लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हमें क्या करना होगा देखो ध्यान से, पहले दो को सीरीज में जोड़ दो, दो को सीरीज में कैसे, R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 9 ओम प्लस 9 ओम, तो कितना आ गया ये 18 ओम आ गया। लेकिन सर हमें तो 6 ओम चाहिए था, तो 18 ही है, बिल्कुल आएगा वहां पे भी। अब देखो मैंने क्या बोला था एलसीएम, अब क्या लेना है मुझे 1/9 प्लस 1/18, देखो इसको ऐड करो तो कितना आएगा 1/9 प्लस 1/18, तो ये ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से करना कैसे है, इसको मैं 18 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2/18 प्लस 1/18। और अभी हमने बताया था क्या कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज ऐड हो जाते हैं, मतलब 2 प्लस 1 3 और 18, तो ये क्या हो गया हमारा। अब इसको मैं पलट दूंगा तो 18/3 मतलब 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो देखो अल्टीमेट करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, तो मैंने दो को कैसे जोड़ा, दो को मैंने जोड़ा सीरीज में, मतलब R इक्विवेलेंट, R1 R2 का इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज में। अब मैं बफर दर R इक्विवेलेंट 1 ले लिया, अब फिर ले लेता हूं मैं R इक्विवेलेंट 2, 2 मतलब हमें तो 6 लाना है ना, ये तो 18 आया, तो इसको मैं 1/9 प्लस 1/18, मतलब दो को मैंने किसमें जोड़ा पैरेलल में, और मतलब दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में, आया समझ में, जो सीरीज में जोड़ा तो उसका इक्विवेलेंट आ गया, तो पैरेलल में कोई जुड़ जुड़ते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा। देखो यहां से फर्दर वही मैंने अभी बताया था जस्ट आपको कि इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और प्लस 1/18, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखोगे 2/18 प्लस 1/18, तो ये कितना आ जाएगा 3/18। सर ये तो 1/R इक्विवेलेंट 2, लेकिन हमें क्या लाना था 6 लाना था, तो इसको पलट देंगे तो पलट के क्या हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू 18/3, मतलब क्या आ गया 6 आ गया, मतलब 6 हो। तो इसमें मैंने दो को कैसे जोड़े, दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में, आई बात समझ में। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की आपको मैथ के वे में, अगर फिर भी डाउट हो तो वीडियो फिर देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नोट डाउन करो। तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2018 में 3 मार्क्स का आया हुआ है और मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे कि अरे सर क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है देखो कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है देखो बता रहा हूं कैसे, आप भूल जाओ कि ये नहीं है, आप भूल जाओ ये नहीं है, ठीक है इसको छुपा लो। अब आपको कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है, सीधा सीधा सीरीज दिख रहा है, बिल्कुल सही, सीधा सीधा सीरीज है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। लेकिन अब हमें क्या है सर, ये ए और बी का क्या काम है, देखो आपको पता होना चाहिए ये ए मतलब एमिटर, और एमिटर किस में जुड़ता है हमेशा सीरीज में, इसलिए वो एमिटर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और वी मतलब क्या है वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर कैसे जुड़ता है पैनल में, इसलिए वो पैनल जुड़ा हुआ है। अब हमें इसकी रीडिंग निकालनी है, आपको पता होना चाहिए एमिटर क्या काम करता है, एमिटर करंट मेजर करता है, मतलब हमें करंट निकालना है, और वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, मतलब हमें वी निकालना है, सिंपल सी बात है। अब एक चीज और समझो, ये सीधा सीधा है मतलब सीरीज है, सीरीज में क्या होता है आई सेम रहता है, सिंपल सी बात है, तो इसका मैं जो आई निकालूंगा वही आई इसका होगा एमिटर का, सिंपल सी बात है, आ गया समझ में, तो इसका आर निकालना चाहिए, लेकिन आर कैसे निकालेंगे सर, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा जोड़ दो, आर पता है मेरे पास, बी पता है, तो आई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो फोर क्या लिखेंगे हम, फोर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 कितना है 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तो मतलब अल्टीमेट कितना हो गया 12 और 8 20 और 5 25 ओम,
मतलब हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया 25 ओम। R पता चल गया, V हमारे पास आई है, तो हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, आर इक्विवेलेंट लिख लो। तो V कितना है हमारे पास, V है सर 6 वोल्ट। I कितना है, I हमें निकालना है, और R इक्विवेलेंट कितना आया था हमारे पास 25 ओम। तो यहां से I कितना आ जाएगा 6/25, मतलब कितना आ जाएगा 0.24 एम्पियर। ठीक है, मेरे को आई पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया सर आई यही है। ठीक है, मतलब एमीटर की रीडिंग आ गई। अब दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग, मतलब यहां पे मुझे वी निकालना है। वी निकालने के लिए क्या चाहिए, आई और आर चाहिए। आई हमें पता चल गया आई कितना आया इतना, और आर कितना है ये, क्यों, क्योंकि आर इसके अक्रॉस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस इसका होगा, आई पास नहीं है इसका नहीं लेंगे, इसके अक्रॉस लगा हुआ है तो सिंपल सा है 4 वोल्ट मीटर, तो 4 वोल्ट मीटर ऐसे लिखना, 4 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर रीडिंग, रीडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, हम V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V कितना आया ये रहा, ये ना लिख के ये लिख लो 6/25 इंटू आर कितना है, आर है 12। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 12/72/25, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 2.88 वोल्ट। मतलब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो ये दिखाएगा, और एमिटर जो रीडिंग दिखाएगा वो ये दिखाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इतना मुश्किल नहीं था, बस क्या है कि ये वी और ए देख के आप डर गए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसको भूल जाओ कि ये नहीं है, तो सब सिंपल से दिख गया सर्किट कैसा है, सोल्व कर दो आंसर आ गया, सिंपल सा है, नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, नोट डाउन कर लो। ये देख लो नीचे का छुप गया हुआ, दिख गया ना अच्छे से, नोट डाउन कर लो, अच्छे से दिख गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड का एक और फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2018 में 3 मार्क्स आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिजली का बिल निकालना सिखाएंगे इससे हम आपको, बिजली का बिल कैसे निकालोगे। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द मंथ ऑफ सितंबर। पहले ये बहुत ध्यान रखना कि मंथ कौन सा लिया है, वरना यहीं पे गलती कर दोगे आप। इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट, दूसरा क्या है 1 यूनिट। अब ध्यान रखना कि घर की जो बिजली की यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में होती है। क्या कहा मैंने, ध्यान समझना, जो घर की यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में आती है। क्या ये हमारा किलोवाट आवर में है, देखो ये 1000 वाट है और ये 400 वाट है, तो 1000 वाट को 1 किलोवाट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन इसको नहीं लिख सकता, ये वाट में है, तो इसको मुझे 10 से डिवाइड, वो 100,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो देखो ध्यान से लिखेंगे कैसे, यहां तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक हीटर है कितना 1000 वाट का, और कितनी देर के लिए चल रहा है, 5 घंटे डेली। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके लिए P1 कितना है, P1 इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट। ठीक है, और टाइम कितना है, T1 कितना है 5 आवर्स, टाइम कितना है 5 आवर्स। देखो ये भी याद रखना कि टाइम भी आवर में होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना सितंबर है, सितंबर में डेज कितने होते हैं 30, तो यहां पे एन कितना हो जाएगा 30। पहला केस समझ में आया, दूसरे केस के लिए देखो अलग मार्कर से बना देता हूं, दूसरे केस के लिए ये वाला, इसके लिए क्या है P2 कितना है, P2 है हमारे पास 400 वाट। तो देखो ये किलोवाट में नहीं है, तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 400 वाट अपॉन 1000, तो कितना आ जाएगा ये, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो मतलब 2/5 किलोवाट आर, ये आ गया किलोवाट आर। ठीक है, ये किलोवाट आर नहीं, आर तो अलग से आएगा, ठीक है किलोवाट आ गया। और इसके लिए टाइम कितना है, T2 कितना है हमारे पास, T2 कितना है, ये डेली कितना चला है 10 घंटे, और N कितना है, N इसके लिए भी 30 है, क्योंकि मन तो सेम ही है ना दोनों। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। अब देखो हमें क्या निकालना है, बिल, हमें बिल निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है E, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, तो देखो इसके लिए, इसके ध्यान से समझना, इसके लिए क्या होगा, E1 इक्वल टू P1 इंटू T1 इंटू N, तो P1 कितना है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 किलो वाट इंटू 5 आवर्स इंटू
30, तो ये क्या सोल्व करके कितना आ जाएगा, 30×5=150 किलो वाट आर आ गया। अब दूसरे केस के लिए E2, इसके लिए E2 कितना होगा, ध्यान से देखो P, यही सेम फार्मूला लगेगा, तो यहां पे लिख लो P2 × T2 × N, तो कितना है ये 2/5 × 10 × 30, तो ये सोल्व करके कितना आएगा, देखो इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो 2×2=4, 4×3=12, तो कितना आएगा ये 120 किलो वाट आर। यहां तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब देखो दोनों को कंबाइन, भाई जो भी मीटर आएगा वो तो जितने फ्रिज कूलर चले सबको मिल गया आएगा ना, तो ई टोटल कितना हो जाएगा, ई टोटल मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटल कितनी होगी, E1 + E2, मतलब E1 + E2 कितना है 150 + 120, मतलब कितना आ जाएगा ये 270 किलो वाट आर। ठीक है, मतलब एक घंटे में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है हमारी, 270 किलो वाट आर। तो बिल निकालना है, मतलब ये एक घंटे में नहीं, ये पूरे मंथ में है, पूरे मंथ में हमारी कितनी एनर्जी खत्म हुई इतनी। अब वो क्या कह रहा है कि मतलब एक यूनिट का इतना है और हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, इतनी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 270 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 0, 6×7=42, हासिल लगे 4, 6×2=12 और 4×16, 1620 रुपए का बिल आएगा हमारा, यही आंसर है। देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है, आई बात समझ में, नोट डाउन करो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बोर्ड में 2013 में वो 18 में 3 मार्क्स का आया हुआ, देखो कितना बढ़िया, इस बार भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मंथ बदल देगा या यूनिट बदल देगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे ऐसे ही, फंडा यही है, समझ में आया अच्छे से, नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आप ही के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 5 मार्क्स का आया हुआ है, मैक्सिमम बच्चे तो देख के ही क्वेश्चन घबरा गए, अरे सर इतना लंबा और इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे होगा, यकीन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 2 वायर A and B आर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों वायर की लेंथ कैसी है, इक्वल लेंथ, एंड हैविंग द इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ द रेजिस्टिविटी इज ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, विच वायर इज थिकर एंड व्हाई, मतलब ए की जो रेजिस्टिविटी है वो बी से दुगनी है, मतलब दुगनी नहीं है ज्यादा है, सिंपल सा है, तो ये मिटा दो। देखो ये तो अभी लिख लेना, फिगर बस फिगर रख के रखते हैं और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है हमारा, कि हमसे क्या क्या पूछा गया है, ध्यान से समझना। तो हमें सिंपल सा एक लॉजिक पता है कि भाई रेजिस्टिविटी मतलब रो इज इक्वल टू आर इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है हमारा, देखो ध्यान से, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला होता है। अब देखो ए के लिए हमारे पास रेजिस्टिविटी और लेंथ इक्वल है, तो मतलब हम 4a के लिए क्या कर रहे हैं, हम फार्मूला क्या लगाएंगे, यही r, देखो रो को ऐसे ही रखा हमने, l हमारा सेम है, इसको सेम रखा लेकिन एरिया वो कर लिया हमने, ठीक है, R1 R2, मतलब क्या कर रहा है हमने कि विच वायर इज थिकर, रेजिस्टेंस इक्वल है यार, रेजिस्टेंस इक्वल है, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब r और l इक्वल है, तो हमने r को r ही रखा, रो ऐसे ही रहा, रो वन कर लिया और एल को एल ही रखा और एरिया को ए वन कर लिया, किसके लिए 4a, सेम इस सिमिलर वे में 4b के लिए क्या कर दिया हमने यहां से कि r को r ही रखा, रो 2 हो गया और l को l ही रखा, a2 हो गया। अब देखो यहां से एक रिजल्ट आएगा, l को मैं नीचे भेज देता हूं, तो रो बाई एल इक्वल टू रो वन अपॉन ए वन, और यहां से क्या आएगा, सेम वही चीज, R अपॉन L इज इक्वल टू रो 2/A2। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं बहुत इजी वे में समझा पाऊं, ये सेम है, तो इसकी जगह मैं पूरी की जगह कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं कोई K, तो यहां से हमारा क्या आ गया ρ1/A1, और यहां से क्या आ जाएगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, के इक्वल टू रो 2/A2, तो यहां से फर्दर रिजल्ट क्या आ गया मेरा कि ρ1 = A A1 के, और यहां से क्या आ गया, सो डेट और ρ2 = A2 × K। अब देखो के तो सेम है भाई, लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, तो जिसके लिए एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, यहां पे भी देखो, तो हमें क्या दिया है कि ए का एरिया ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, या लिखा है ना द रेजिस्टिविटी ऑफ ए, मतलब ए की ज्यादा है बी के कंपेरिजन में, मतलब रो वन ज्यादा है रो टू के कंपेरिजन में, तो
तो सिंपल सा कौन मोटा ज्यादा होगा, ए वन ज्यादा मोटा होगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो यहां से समझ में आया, तो पहला आंसर तो ये आ गया हमारा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो, अब हमसे ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में हमसे क्या पूछ रहा है ध्यान से समझेंगे, इस फिगर में कि भाई हमें यहां पे करंट बताना है, यहां करंट बताना है, यहां करंट बताना है, टोटल आई बताना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखो ध्यान से, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कॉम्बिनेशन कैसा है। हमें सिंपल सा दिख रहा है कि सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां समझो जैसे ये बैटरी से करंट निकला, ये आई गया, और यहां पे देखो करंट के तीन हिस्सों हो गए, तीन हिस्सों में बढ़ गया, लेकिन फर्दर यहां पे फिक्स करंट सेम हो गया ना। तो यहां पे मतलब यहां पे करंट अलग होगा, यहां करंट होगा, यहां करंट अलग होगा, लेकिन हमें पता है कि भाई पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है? बैटरी तो एक ही कनेक्ट है ना, तो यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, तीनों के अक्रॉस वो निकालना है करंट। तो लिखेंगे 430 ओम रेजिस्टेंस। 30 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे हम, हमें पता है भाई V कितना है, V इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। I कितना है, I हमें निकालना है इसके अक्रॉस, तो इसके लिए I1 लिख लिया क्वेश्चन मार्क। और R कितना है हमारा, R इसके अक्रॉस 30 ओम, तो हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा, V इक्वल टू IR। तो यहां से V1 इसको V रखो है ना, आई वन कर लो, तो वी कितना है 6 अपॉन, और आई वन निकालना है, आर कितना है 30, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, आई वन इक्वल टू ये भी हटा देते हैं 6 अपॉन 30, तो ये कट के कितना आ जाएगा 0.5, 1/2 आएगा ना 6, तो 1/2 हाँ 0.5 एम्पीयर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं जी सर, एक पता चल गया। अब सेम फर्दर क्या करेंगे, 410 ओम, अब यही चीज है यहां पर क्या लिख देंगे, 410 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज, V सेम रहा, लेकिन अब R कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, सेम यही चीज, R कितना हो जाएगा यहां पे 10 हो जाएगा। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, V 6 रहा, I 2, अब I 2 ले लेंगे हम, I 2 क्योंकि इसके लिए लिख रहे हैं, तो I 2 ये रहा, और R कितना है इक्वल टू 10, तो यहां से I 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 10, मतलब कितना आ गया 0.6 एम्पीयर। कोई दिक्कत यहां तक, I 2 आ गया। अब तीसरा किसके लिए लेंगे, 5 ओम के लिए, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो सेम यही चीज रखेंगे, 4-5 ओम रेजिस्टेंस, 4-5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम के लिए बी ये रहा, आर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ओम, तो अब क्या निकलेगा हमारा I3, तो I3 क्वेश्चन मार्क, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू I3 इंटू R3, तो V कितना है 6, I3 कितना है निकालना है, R3 कितना है 5 ओम, तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहां से, I3 इक्वल टू 6 अपॉन 5, मतलब 1.2 एम्पीयर। कोई दिक्कत यहां तक, तीनों निकल गए। अब हमें टोटल आई लौटना है, टोटल आई कैसे निकालते हैं, टोटल आई, आई इक्वल टू आई टोटल इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। तो आई हमारा ये कितना आया था, आई वन कितना आया था 30/6 मतलब 0.5, प्लस ये कितना आया था 10/6 मतलब 0.6, प्लस ये कितना आया था 1.2, तो इनको एड कर देंगे तो 5 और 6 11, तो 2.3 एम्पीयर, मतलब आई हमारा कितना आ गया 2.3 एम्पीयर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी, सारी चीज क्लियर है, नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम फर्दर वो निकालते हैं अपना आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से, वीडियो में दिख रहा है ना सब, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, कोई अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा, आ गया ना, कोई दिक्कत यहां तक, 0.5 और 0.6, ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक आगे करते हैं। ठीक है ना, तक देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, हो जाती है यार वीडियो में, ध्यान रखना। यहां पे जो आएगा ना, ये हमारा आएगा 0.2, फिर से देखना, जो हमारा ये आया था ना हमारा, ये देखो ए I1 देख लो एक बार फिर से, 430 ओम, तो 30 ओम के लिए क्या लिखाएंगे, वी आर कितना है 30 ओम, तो कितना हो जाएगा वी इक्वल टू I1 इंटू R1, तो V कितना है 6 इंटू I1 निकाला और इंटू 30 ओम, तो यहां से I1 कितना आ जाएगा 6 अपॉन 30, मतलब कितना आ जाएगा 0.2 एम्पीयर। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, चेक कर दो, तो यहां पे फिर लिख देंगे, तीनों को ऐड किया तो तीनों को ऐड किया कितना आ जाएगा 2 एम्पीयर, मतलब I टोटल हमारा कितना आ गया 2 एम्पीयर। अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से सही से करना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यार, है ना। तो हमारा ये कितना आएगा, हमारा ये आएगा हमारा
आर इक्विवेलेंट, देखो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, वन अपॉन आर टोटल, आर टोटल तो क्या हुआ ये वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो मतलब कितना होगा, वन अपॉन थर्टी प्लस वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन फाइव, ठीक है। फाइव टेन और थर्टी तीनों का एलसीएम देखो, तीनों का एलसीएम फाइव टेन और थर्टी, तो मुझे पता है इसका एलसीएम आएगा थर्टी, मतलब फाइव टेन और थर्टी का एलसीएम कितना आएगा, आप कर लेना एलसीएम इक्वल टू थर्टी। तो मतलब ये क्या हुआ मेरा, वन अपॉन आर टोटल, आर इक्विवेलेंट है या आर टोटल एक ही बात है, वन अपॉन थर्टी, थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं ताकि देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस थर्टी प्लस वन अपॉन फाइव। अब देखो मुझे तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो यहां थर्टी है यहां थर्टी नहीं है, तो इधर मतलब किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री की, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री की, और इधर देखो थर्टी बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से, और इधर भी सिक्स से, तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आ गया, वन अपॉन थर्टी प्लस थ्री अपॉन थर्टी प्लस सिक्स अपॉन थर्टी। और हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे आगे ऐड हो जाते हैं, तो दस एक और तीन चार और छह दस, तो टेन अपॉन थर्टी मतलब आर वन अपॉन आर टोटल, आर टोटल, ठीक है। तो ये कितना है टेन अपॉन थर्टी, तो इसको ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब वन बाई टेन। अब इसको पलट लो तो आर टोटल क्या होगा, आर टोटल इक्वल टू थ्री ओम, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। इसको पलट लोगे तो थ्री ऊपर चला जाएगा, वन लिखते नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पांच नंबर में आ रखा है, आराम से देखना वीडियो को, थोड़ी लंबी है लेकिन तसल्ली से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटेड बता रहा हूं। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, भरोसा आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये चाहे तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।